तो भाई ये देखो यहाँ पे अभी मानसून चल रहा है, तो मानसून के अंदर बिल्कुल भी बारिश नहीं रुकती भाई, 24 घंटे यहाँ पे बारिश रहेगा। चुके फाइनली शॉपिंग करने, तो रोहित सर कौन से शूज लोगे? सर अभी देखते हैं। देखो भाई ये लो भाई, कहते हैं सब वेद पुराण बिना वृक्ष के नहीं कल्याण, नगर निगम उदयपुर। देखिए नाइट में आप भाई साहब। सो गाइस यहाँ पे घूमने आए थे, बट यहाँ पे अंकल जी मिल गए, वो भी पास के गांव के रामगढ़ से। हमने भी भाई है यार। हम भूत महल पे रुक गए हैं। ये देखो श्री भूत महल, ये देखो भाई पहाड़ों पे बना पड़ा है ये। ओ भाई ये पेड़ गिर गया भाई, कितना ओल्ड होगा यार, लगभग 100-200 ईयर ओल्ड ही है भाई। देखिए भाई नीचे से रास्ता देखिए, आप रोड देखिए, सड़क चारों तरफ पे पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में उदयपुर बसा पड़ा है। ये देखो सिटी, उदयपुर सिटी दिख रहा है, ये देखिए आप। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई अब जल्दी जल्दी व्लॉग आने वाले हैं, फास्टली व्लॉग आने वाले हैं, पता है। अभी आ गए हम सिटी ऑफ लैक्स, ये देखिए भाई नज़ारा। और भाई बादल देखिए बस आप, बादल पहाड़ों को छूते हुए बादल। और ये है फतेह सागर लेक भाई। हेलो विक्रम सारवा, हाय हाउ आर यू एंड दिनेश ब्रो। बढ़िया बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। राम भाई जी, राम राम सर, राम राम, राम राम भाई। ये देखिए बस नज़ारे देखिए आप, क्या सीन है भाई। हमने बहुत एडवेंचर किया है यहाँ तक आने के लिए, बहुत ज़्यादा एडवेंचर किया, पूछो मत भाई। बारिश के अंदर बाइक चलाते हुए लेके आए। तो भाई ये देखो यहाँ पे अभी मानसून चल रहा है, तो मानसून के अंदर बिल्कुल भी बारिश नहीं रुकती भाई, 24 घंटे यहाँ पे बारिश भाई। वादियों के अंदर घूम रहे हैं, क्या बताएं अब आपको। लेकिन बहुत अच्छी जगह यार, रियली भाई इस हिल को देखो, पूरा ग्रीन हो रखा है ये सब। उदयपुर समय निकाल कर हम घुमाएंगे आपको। आइए बस, आप आइए, आने का कष्ट कीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। तो भाई ये देखो फतेह सागर लेक के अंदर ही ये होटल बना हुआ है, एक ये रहा और एक उस साइड है, देखो ये दूसरा होटल। भाई कैमरे में भी बारिश पड़ रही है, तो कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है सही से। और भाई पूरे नीचे बादल जो है वो एकदम नीचे चल रहे हैं, अब क्या बताएं आप भाई। अभी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। चुके फाइनली शॉपिंग करने, तो रोहित सर कौन से शूज लोगे? सर अभी देखते हैं। देखो भाई कुछ खास नहीं लग रहा यार मेरे को तो यहाँ पे भाई, ये देख तो स्पोर्ट्स देखा है यार, कोई स्पोर्ट्स शूज वाइट तो लीजिए मत भैया, यार 24 घंटा बारिश चल रहा है, वाइट हो गया करो वो। सो गाइज अभी निकल चुके हैं घूमने के लिए, तो अभी जा रहे कंडी माता एंड पिथोला लेक। तो भाई बने रहिए ब्लॉग पे, देख रहे हैं। धर्मेंद्र, मिस्टर धर्मेंद्र, हाउ आर यू ब्रो, कैसे हो? बढ़िया। तो भाई आज का एडवेंचर कुछ अलग ही होने वाला है। और ये आ गए हम एंट्री गेट, और एंटर होने वाले यहाँ से। ये देखो पक्षी उद्यान, बर्ड पार्क। तो भाई हिल्स वादियों में जाएंगे, अब असली वादियों में अब जाएंगे हम। ये देखो सही नज़ारा देखो बस, ये भाई फुल एडवेंचर। बाहर से ज़्यादा बारिश तो भाई यहाँ पे हो रही है, एकदम फुल बारिश है यार। आप बस यहाँ पे पेड़ पौधे देखिए, ऐसा लग रहा है कि ना पूरे जंगल में घूम रहे हैं। ऊपर देखिए, ऊपर से पूरा कवर है पेड़ से, गजब सीन है यार। अब फील आ रहा है कि ना फॉरेस्ट के अंदर घूम रहे हैं हम। गाइस यहाँ पे बम्बू देखिए आप, बांस बम्बू भाई, क्या चीज़ है ये। हमारी साइड में ऐसे नहीं उगते, यहाँ पे जो पौधे भी है वो अलग ही है, पेड़ पौधे अलग ही तरह के। ओ भाई इसके अंदर तो पटरियाँ भी है, ट्रेन चलती है इसके अंदर, रेलवे लाइन गिरी हुई है भाई, देख लो।
भाई हम रेलवे लाइन से के पास से जा रहे हैं, छोटी ट्रेन चलती है यहाँ पे, छोटी ट्रेन। ये लो भाई, कहते हैं सब वेद पुराण बिना वृक्ष के नहीं कल्याण, नगर निगम उदयपुर। सही है भाई, विदाउट वृक्ष विदाउट पेड़ पौधों के असंभव है भाई। ऑक्सीजन भाई सांस लेने में तकलीफ होगी हमको, इसलिए पेड़ लगाना जरूरी है भाई। ये देखो इतने सारे पेड़ पौधे, यहाँ का नेचर देखो, वाइब देखो अलग ही आ रही है। ऐसी वाइब हमारे आसपास होती है क्या? अरे कैसे होगी भाई, हमें तो बिल्डिंगें खड़ी करनी है, पेड़ पौधे काट के घर को डेकोरेट करना। तो भाई पता है इसे बोलते हैं गुलाब बाग, उदयपुर की शान गुलाब बाग की जान, गुलाब बाग की जान। ये भाई अरे ये देखो भाई देखो बस, अभी हम मेरे को पता नहीं था कि ना ये गुलाब बाग है, भाई ने बताया कि ये गुलाब बाग है। तो अभी हम गुलाब बाग के अंदर घूम रहे हैं। अरे आप आइए तो सही उदयपुर, फिर घूमते घूमते थकोगे नहीं आप? नहीं नहीं आप थक जाओगे लेकिन जगह कम नहीं पड़ेगी घूमने के लिए भाई। अभी तो यहीं पे है, खूब इंजॉय करना है और उदयपुर के रेगुलर ब्लॉग आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस भी करना है ताकि सबसे पहले आपके पास लोग आ जाए। क्यों भाई सही है ना? सही है भाई, भाई भाई ने भी सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक भी करना भाई, लाइक भी करना है, एंड कमेंट तो ऑलरेडी करता भाई, हर वीडियो पे कमेंट है यार। ठीक है तो आपको भी करना है। अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, पहले सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो बस आप। ये लो भाई रेलवे क्रॉसिंग लाइन, ये डिब्बा खड़ा, इंजन भी वहीं पे। तो आगे है, ये खराब डिब्बा हो गया, एक निकाल दिया, खराब डिब्बा हो गया है क्या ये? ये देखो भाई अभी एग्जिट हो रखे हैं आप गुलाब बाग से हम। अच्छा ये गुलाब बाग ये क्या अभी? ओ भाई महल देखो और मौसम देखो आप भाई, 24 घंटे यहाँ पे यही मौसम रहता है मानसून के अंदर। अभी हम दो ही बंदे आए हैं, कुछ थक चुके हैं बेचारे, कुछ सोए पड़े हैं भाई, बारिश आ रही है भीग जाएंगे। अरे भाई जब गर्मी पड़ती है तब तो आप रोते हो कि नहीं अब बारिश नहीं आ रही, बारिश नहीं आ रही। अब जब बारिश आ रही है तो बारिश आ रही है भाई, नहीं घूमने। ये देखिए और यहाँ पे बारिश आने का एक ही रीज़न है भाई, ये जो उदयपुर सिटी है वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है उदयपुर सिटी। तो भाई अरावली की जो चोटियाँ हैं वो टच होती है बादलों के और बारिश होती है यहाँ पे, और फिर एक्स्ट्रा यहाँ पे पेड़ पौधे देखो कितना, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, नेचर बहुत है यहाँ का, नेचर बहुत ब्यूटीफुल है। कोई एक जंगली जानवर दिखाऊँ आप भी हैरान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। ये देखो क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ये वाला देख, बेचारे शांत पड़ बैठे हैं एकदम भाई, ये एकदम शरीफ है, मासूम है, हमारी तरह नहीं है। ओ भाई ये पेड़ गिर गया भाई, कितना ओल्ड होगा यार, लगभग 100-200 ईयर ओल्ड ही है भाई। जड़े देखो जब से उदयपुर बसा तब से ये पेड़ बहुत पुराने वाला है। देखो वहाँ पे एक कुत्ता है बेचारा, ब्लॉग में आने के लिए पास में आ गया, भाई मेरे को भी ब्लॉग में ले लो। ये तो दौड़ते दौड़ते आ रहा है आपको रेलवे स्टेशन ले गिरते हैं। अभी रेलवे स्टेशन गुलाब बाग के, अच्छा गुलाब बाग के रेलवे स्टेशन में जा रहे हैं हम, टिकट कटवानी है ना ट्रेन की, इनों के लिए यहाँ पे फाटक भी है भाई। देखो गुलाब बाग का जंक्शन और छोटा सा पार्क भी है गुलाब बाग का। ये भाई जंक्शन देखिए, वहाँ पे ट्रेन भी खड़ी है, टिकट कटवाओ और ट्रेन के अंदर इंटर हो जाओ, ट्रेन का टाइम भी अलग है। फाइनली गुलाब बाग को बाय बाय बोल दिया, बाय बाय गुलाब बाग, एग्जिट हो गए। करणी माता जाने के लिए इंटर हो चुके हैं, अभी करणी माता टेम्पल जा रहे हैं, हिल पे जा रहे हैं भाई। अब भाई चढ़ाई देखो, ये पत्थर देखिए पहाड़ों के, अभी भाई ऊपर चढ़ने में बहुत ज़्यादा जोर आएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अच्छे ज़्यादा व्यू दिखाएंगे आपको ऊपर से, क्या व्यू भैया, यहीं से साफ होने लगा। पेड़ पौधे हैं तो देख लो यार, आपके लिए इतना एडवेंचर कर रहा हूँ, इतना हार्ड एडवेंचर कर रहा हूँ मैं। अब तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बोलने भी दिक्कत आ रही है फिर भी बोल रहा हूँ।
हम भूत महल पे रुक गए हैं। ये देखो श्री भूत महल, ये देखो भाई पहाड़ों पे बना पड़ा है, पूरा पत्थरों का बना है। ये देखिए और वो पढ़िया, रविवार 30 अगस्त 1992 में उद्घाटन हुआ था भाई इसका, आज तक ये बिल्डिंग टिकी पड़ी है भाई, कितनी ओल्ड हो गई देखो, और पहाड़ों पे बनी पड़ी है। ये देखो वादी ही वादी है, ये देखिए आप। तो भाई हम भूत महल के ऊपर आ गए हैं, वाइब देखिए बस यहाँ की। ये देखिए वहाँ पे पहाड़ों पे बादल टच हो रहे हैं, दिख रहे हैं भाई, बादलों में पहाड़ है यहाँ पे, तो पहाड़ों में बादल नहीं, बादलों में पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर महल बना पड़ा है भाई। कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी यहाँ पे ये महल बनाने के लिए, पहले इस पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, ये रास्ता भी बनाया गया है, और यहाँ से मतलब पत्थर वगैरह लेके गए, वो जो भी चुना वगैरह बने पड़े हैं ऊपर, तो ये जो भी है महल वगैरह, वो देखो एकदम भाई पहाड़ों के बीच में बना पड़ी है वो दीवार, देखो ये दिख रहा है, ये देखिए चारों तरफ पे पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में उदयपुर बसा पड़ा है। ये देखो सिटी, उदयपुर सिटी दिख रहा है, ये देखिए आप। अभी भी नहीं पहुंचे कंडी माता डैम पर, बट बीच में से आपको एक बार और व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए पहले तो वो देखिए भाई, रोप वे आ रहे हैं जा रहे हैं, टिकट ले सकते हो आप वहाँ से, यहाँ से रोप वे आते जाते हैं, ये देख लो, और व्यू देखिए आप, वाह यार सच्ची में क्या व्यू है, लेक के अंदर बोट देखो आप, कितने बोट है, बोट ही बोट है भाई। वो रहा सिटी प्लेस, सिटी प्लेस ये है, ये वाला है सिटी प्लेस, ये वाला सिटी प्लेस है भाई साहब, बस व्यू देखिए आप, और वो बादलों में पहाड़ है भाई, यहाँ पे पहाड़ों में बादल नहीं है, बादलों में पहाड़ है यार, क्या इंटरेस्टिंग व्यू है, मज़ा आ गया यार। आइए एक बार आप उदयपुर आइए और देखिए यहाँ का क्या सीन है यार, वहाँ से तो अलग ही नज़ारा आ जाएगा, ऊपर जाएंगे और भी ऊपर से दिखाएंगे आपको क्या व्यू है भाई। वादियों में घूम रहे हैं आज तो, असली वादियों में घूम रहे हैं, ये देखिए आप पूरा उदयपुर जो है वो मतलब वादियों में बसा पड़ा है। बारिश हो रही है फिर भी मतलब ठंड हो रखी है, लेकिन चढ़ते चढ़ते पसीना आने लगा क्या चीज़ है यार, नज़ारा देखो आप, अलग ही व्यू आता है। तो गाइज आप मेरे पीछे व्यू देखिए, बस व्यू देखिए, दिख रहा आपको व्यू भाई, सन को देखिए, सूरज को आप, क्या चीज़ है यार, ये देखिए आप भाई साहब, वादियों में भाई वादियों में, अभी जाएंगे यहाँ से ऊपर। तो गाइज फाइनली आ गए हैं करणी माता मंदिर, ये वहाँ यहाँ पे मंदिर है करणी माता। तो भाई धर्मेंद्र तो पूजा करने लगा है, वो उसको करना दो पूजा वगैरह, फिर आ जाएगा, दोनों शूट करेंगे भाई। ये देखो भाई पब्लिक देखो यहाँ पे, गजब ही भाई यार, मज़ा आ गया भाई, लेकिन ऊपर चढ़ते चढ़ते ना पैर दर्द करने लगे, हालत ख़राब हो गई, हालत टाइट हो गई। अभी व्यू देखिए आप, ये देखिए जन्नत है भाई, जन्नत है ये, क्या सीन है यार, पूरा उदयपुर सिटी दिख रहा है यहाँ से, वाह। इस साइड देखिए मौसम देखो कैसा हो रखा है, क्या सीन है यार, उधर देखिए आप, ये देखिए भाई पूरे जंगल है, क्या सीन है यार। सो गाइज यहाँ पे घूमने आए थे, बट यहाँ पे अंकल जी मिल गए, वो भी पास के गांव के रामगढ़ से, हमें भी साथ तेरा भाई है यार भाई साहब ठंड लगने लगी यार, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गजब ही व्यू है यार,
एक बार आई आप जरूर आइए उदयपुर, आओ तो कंडी माता टेम्पल पहाड़ी के ऊपर चढ़ना। और भाई रोप वे से मत आना, रोप वे पे ऐसे आओगे तो फीलिंग नहीं आएगी। वो आपको चढ़ना है तो यार यहाँ से रास्ते से चढ़ना है। ये देखो हम वहाँ से आए हैं भाई। जब एडवेंचर करके आते ना वो दिन हमेशा याद रहता है, जिंदगी भर याद रहती है वो चीज़। एडवेंचर करके आना है भाई साहब। ये आपको पता है वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकंड टूरिज्म प्लेस है उदयपुर। भाई साहब प्राउड फील करना चाहिए राजस्थान वालों को, प्राउड फील करो। वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकंड टूरिज्म प्लेस उदयपुर राजस्थान। भाई वादियों में बसा पड़ा होगा बिल्कुल नहीं, चारों तरफ हिल्स हिल्स और झील ही झील। उन्हें सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे झील ही झील है। वाइब भी अलग ही आती है। वो देखो भाई सिटी प्लेस का व्यू देखिए आप, ये सिटी प्लेस है और वो झील के अंदर होटल है। भाई यहाँ पे रहने के लिए हज़ारों लगते हैं पानी के अंदर। सो गाइस यहाँ पे घूमने आए थे बट यहाँ पे अंकल जी मिल गए, वो भी पास के गांव के रामगढ़ से। हमने भी साउथ भाई है यार भाई होता है बड़ा भाई जी है। अब थोड़ा बड़ा हो तो अंकल में अंकल ही अन केस का अंकल अन अंकल केस का हमें पास के मिल गए, पास के गांव से। ये भाई साहब चमत्कार हो गया भाई यहाँ पे तो। बस वाइब देखिए चमत्कार पे चमत्कार हो रहा है। यहाँ पे दरगाह भी है हजरत गुलाम, मतलब कंडी माता के पीछे ही जस्ट दरगाह है, दरगाह शरीफ का रास्ता देख के आते हैं भाई। दरगाह देखते हैं भाई, कैमरा लगा पड़ा है इधर, घूमने वाला कैमरा लगा पड़ा है। वो रही भाई दरगाह दिख रही है, ये देखिए ये दरगाह है और सिटी का व्यू देखिए आप। चलो आगे चलते हैं। तो गाइस नाइट व्यू हो गया है, सॉरी नाइट हो गई है और सिटी का व्यू देखिए नाइट में आप। भाई साहब भाई टॉप पे बैठे हम भाई, घूमते घूमते थक जाएंगे इन वादियों में, लेकिन ये वादियां खत्म नहीं होगी। ये भाई रोप वे स्टेशन है, रोप वे स्टेशन ये देखो वो आ रहा। तो गाइज ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब न्यू व्लॉग आएंगे और मस्त मस्त लोकेशन के, आप भी आपका मन हो जाएगा कि यार उदयपुर को घूमना ही है। बस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ना, अभी और ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, यहीं पे एंड करते हैं ब्लॉग को। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो बेल आइकन पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मस्त लगा ना? अरे अच्छा लगा ना, कमेंट में बताना यार, ठीक है। एक बार और देख लीजिए देखिए भाई, नीचे से रास्ता देखिए आप, रोड देखिए, सड़क सड़क देखिए आप, सिटी प्लेस और दिखाता हूँ मैं आपको। एक बार सिटी प्लेस और देखिए आप, ये देखिए सिटी प्लेस।